हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल कंस्ट्रक्शन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटा स्टोन 22x22 की लेआउट कैसे करी जाती है, कोटा स्टोन को कैसे लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है इसको लगाने की, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे अगर तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है वाटर लेवलिंग करना। वाटर लेवल बॉल से इसका लेवल किया जाता है जहाँ भी आपको कोटा स्टोन लगाना है, देन लेआउट की जाती है इसकी। सेकंड स्टेप होता है इसमें वाटर सीमेंट सैंड का प्रॉपर रेशियो में मिक्सचर किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये मिक्सचर बना रहे हैं इसका। अब थर्ड स्टेप इसमें ये होता है, जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में वाटर लेवलिंग की थी ना, उसके हिसाब से चारों कोने पर पॉइंट बनाए जाते हैं जिससे लेआउट करने में आसानी होती है। फोर्थ स्टेप में ये होता है कि लेआउट करते समय जहाँ भी कटिंग की ज़रूरत होती है स्टोन की, वहाँ कटिंग के हिसाब से आप स्टोन की कटिंग करते हैं और लेआउट करते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कोटा स्टोन को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे पहला स्टेप होता है, इसको सेट करके देखते हैं कोटा स्टोन यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं। और जैसे ही सेट हो जाता है ये कोटा स्टोन, देन इसको पक्का कर दिया जाता है। आगे हम बताएंगे आपको कि इसमें सेट कैसे करते हैं। ये यहाँ पे सेट करके देख रहे हैं कि कोटा स्टोन कैसे यहाँ पे सेट हो रहा है, और ये यहाँ पे सेट हो गया है कोटा स्टोन। अब ये देखिए यहाँ पे ये सेट होते गए हैं यहाँ पे, तो ये सीमेंट का लिक्विड पेस्ट बना के यहाँ पे इनको पक्का किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये सीमेंट का पेस्ट डाल रहे हैं। देखिए अभी पेस्ट डालने के बाद इसको पक्का करेंगे। अब ये हो गया है हमारा कोटा स्टोन सेट यहाँ पर। अब ये इसके लकड़ी के टुकड़े से यहाँ पे इसको पत्थर को सेट कर रहे हैं ठोक के। और इसी तरीके से सारे पत्थरों को लाइन बाय लाइन एक एक करके सेट किया जाता है और इनकी लेआउट की जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कोटा स्टोन की लेआउट कैसे की जाती है, किस प्रोसेस से की जाती है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, किस रेशियो से यूज़ होता है। लास्ट स्टेप ये होता है कि दो स्टोन के बीच में जो गैपिंग रह जाती है उसको फिल करने के लिए सीमेंट पेस्ट का यूज़ किया जाता है। ये देखिए पूरा रूम कम्प्लीट हो चुका है, कोटा स्टोन यहाँ पर लग चुके हैं। इस तरीके से कोटा स्टोन लगाए जाते हैं।